नमस्कार। सुना आप सब लोग जानते ही हैं, मैं खुद वैसे तो दिल्ली में रहता हूँ पर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा में ही हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग कह लीजिए या हमारे जो टोटल क्लाइंटेल है उसका पार्ट है, और इसलिए मैं हरियाणा जाता ही बहुत रहता हूँ। अगले सैटरडे मतलब कि 5 अगस्त को मैं अपने पानीपत ऑफिस में और 12 अगस्त को मैं अपने रोहतक ऑफिस भी रहूँगा। और कई मेरे लास्ट हरियाणा के वीडियो को देख के ना काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं एक एक को तो कैसे बताऊंगा, तो चलो मैं आप लोगों को एक कॉमन बता देता हूँ, उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब ये ना सवाल ये है कि सर जो रह गए खासकर कि सर मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे मिल सकता है। भाई मैं हमेशा कहता हूँ वी हैव टू गो कैटेगरी बाई कैटेगरी, राइट, कि कौन सा कॉलेज है जहाँ पर जाके लास्ट MBBS की सीट खत्म हो गई है। तो ये एक्सेल शीट जो मैंने कन्वर्ट कर रखी है ये आप भी कर सकते हैं। किसी को सिर्फ एक्सेल शीट चाहिए, PDF से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, मैं भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग कह रहे हैं सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मुझे अगले राउंड में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो देखिए फिर से मैं हमेशा कहता हूँ, खासकर जो सरकारी बच्चे हैं, आपका दो ही तो ऑप्शन है। एक्चुअली हरियाणा के बच्चों को तीन ऑप्शन है, मैं उसी पर आऊँगा। एक है आपका हरियाणा स्टेट, ऑप्शन दो ही है, दूसरा है ऑल इंडिया कोटा और तीसरा है, क्योंकि इसमें शायद हरियाणा के 25 से 30% बच्चे होते हैं जो दिल्ली के डमी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और वो रहते हरियाणा में है, डोमिसाइल हरियाणा है लेकिन दिल्ली के डमी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, ताकि 11th 12th का कोटा दिल्ली का मिल जाए। और वही एक्चुअली जो हरियाणा का एक तरह से अलॉटमेंट का टॉपर है, आई विल नॉट गो बाय दी मेरिट लिस्ट, जो ये बेचारे जो भी बच्ची है, देखिए बुरा मत मानिएगा कि इनका रेफरेंस आ रहा है सबके सामने बट छपाई हुआ है। तो एक बेटी है चहक यादव, 700 स्कोर है नीट में, ऑल इंडिया रैंक 314। अब इसको पंडित भगवत दयाल मिला हुआ है लेकिन इसको मिल गया है 314 रैंक पे मौलाना आज़ाद DU कोटा से, और इंडिया कोटा से नहीं DU कोटा से, और ये इस तरह से हरियाणा की टॉपर हो गई ना इस तरह से 314। ये देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नॉर्मल, तो हम 100% मान सकते हैं कि हमारी बिटिया चाहे क्या था तो मौलाना आज़ाद में आ जाएगी। तो इस तरह से ना जो जो हरियाणा के जनरल कैटेगरी वाले हैं, इट्स नॉट ओनली जनरल, आप बस यही देख सकते हो कि आप काट सकते हो कि फ्यूचर में चहक चली जाएगी तो एक सीट पंडित भगवत दयाल की कम हो जाएगी, तो फिलहाल जिसे अगला कॉलेज मिल रहा है उसको शायद पंडित भगवत दयाल मिल जाए। सिमिलरली दूसरा बच्चा आ गया जो जिसने कल्पना चावला को प्रेफर किया है एस चॉइस वन हरियाणा के अंदर, जानते हुए कि आपको कुछ भी मिल सकता था, मे बी दिस किड लिव्स इन करनाल, शैल नंदिनी इसका नाम है, इसका ऑल इंडिया रैंक है 931। अब मैं 931 पर भी आ जाऊँ ना तो भाई यहाँ तक आते आते मामला खत्म हो गया। मैं वो सच बताऊँ मतलब, क्योंकि एक आप ये मान लीजिए चाहे हरियाणा यूपी खासकर जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं और पूरा इंडिया ही, हम हमेशा जानते हैं कि लोग दिल्ली के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली के सातों सरकारी कॉलेज, लेडी हार्डिंग, मौलाना आज़ाद, UCMS, भगवान महावीर सॉरी वर्धमान महावीर, अटल बिहारी वाजपेयी, इवन अम्बेडकर और NDMC, इन सबके पास इतना अच्छा इंटरनल कोटा है PG के लिए कि दिल्ली से जो भी UG करता है उसकी PG कन्फर्म हो जाती है प्रैक्टिकली सरकारी में। जी हाँ, प्रैक्टिकली सरकारी में अगर आप दिल्ली की टोटल PG सीटें गिनोगे तो, और दिल्ली में जिस तरह से कोटा का सिस्टम है UG to PG, तो हर बच्चा चाहता है कि भाई मैं दिल्ली पढ़ लूँ। तो जैसे हरियाणा का बच्चा चहक तो आ ही जाएगी, अब शैल को अगर दिल्ली कॉलेज मिला होगा फिर तो छोड़ेगा। अब उसके पास एम्स है तो मे बी दिस गाय आई डोंट नो, बट वो चूज करेगा कि मैं लोकल करनाल पढ़ूँ या एम्स बठिंडा जाऊँ। मेरा अपना मानना है कि नहीं जाएगा। अगला है 1101, तो आप ये समझिए कि नॉर्मल कैटेगरी में आप हरियाणा की कोई सीट मैं क्यों छोड़ूंगा, राइट, क्योंकि जो मुझे ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल रही है विच इज़ द बेस्ट पॉसिबल सीट। बस अब इसमें एक ही जो कमी है, मैंने वही बोला ना कि जब दिल्ली में IP की रिजर्व वो स्टार्ट हो चुकी है काउंसलिंग, और हम जानते हैं कि वहाँ दो कॉलेज आते हैं अम्बेडकर और NDMC, और फिर से हरियाणा के मोस्टली बच्चों के बाद दिल्ली कोटा है, तो ये सारे बच्चे IP का फॉर्म भी भर चुके होंगे, और ये हो सकता है कि ये ऊपर के जो काफ़ी 4 5 7 बच्चे हैं, 10 भी हो सकते हैं मैं सच बताऊं, वो IP के चक्कर में दिल्ली आ जाए तो उतनी ही 12 13 सीटें खाली होगी। उसके अलावा उसके जरा सी आप नीचे आ जाओगे अगर मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूं, और ये जो खाली होगा ये हर कैटेगरी में होगा, तो जनरल वाले भी आएंगे, OBCs भी आएंगे, ST ST भी आएंगे, क्योंकि IP में भी दोनों कॉलेजों में सारा कोटा है।
सो आईपी की जो काउंसलिंग होगी उसमें वो इन बच्चों को लिया जाएगा, वरना ये बच्चों को दीयू की तरफ से तो कुछ मिला नहीं है, क्योंकि तो मान सकता हूँ कि सभी बच्चों ने ही दिल्ली ही फर्स्ट प्रेफरेंस की होगी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली छोड़ के इन्होंने, ये शैल ने एम्स बठिंडा ले लिया, या जो 1101 था वो हम बात करते करते भूल गया था मैं, देखते हैं कि ये कहाँ पर गई है जो 1101 रैंक वाला बच्चा है। तो 1101 रैंक वाला बच्चा, इतने बच्चों को लगता होगा कि सर बिल्कुल सब कुछ सब सामने खोल देते हैं। अब इसको मिला है मुंबई का कॉलेज, गुड कॉलेज, वैसे तो मिलना ही था, लेकिन देखिए दिल्ली नहीं मिला है। और मैं बड़ा हैरान हूँ, या तो ये बेचारे के बाद दिल्ली कोटा होगा नहीं, पर 1101, और चलो तब तक ना ये नज़र मारते हैं कि दिल्ली कोटा जो था हमारा वो कहाँ पर ख़त्म ही हो गया है ऑल इंडिया में, राइट? क्योंकि तो कंपटीशन भी तो ज़बरदस्त है ना यहाँ पर नीचे। तो चलो सॉरी, पहले तो वो हटाओ, BDS हटाते हैं, दूसरा फिर ये है कि एलोकेटेड कैटेगरी देखते हैं, राइट? इसके हिसाब से बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, है अभी तक तो 3,000 तक तो था, फिर बाकी तो लास्ट में सब लड़कियों के कॉलेज आया था, हम जानते हैं लेडी हार्डिंग, लेडी हार्डिंग की होता है लाइन लगा के, लेकिन लेडी हार्डिंग से पहले 2983 रैंक तक UCMS मिल रहा था, तो नियंता के पास शायद दिल्ली कोटा नहीं होगा, तो उसने अगला प्रेफर कर लिया है। अब देखते हैं 1198 का जो बच्चा है इसने भी प्रेफर क्या किया है, 1198 रैंक इसकी है, चाहे ये दिल्ली आ रहा है, ये भी कहीं और जा रहा है, और इंडिया कोटा से अगर जा रहा है तो सोचिए आप इस तरह दोनों अक्षर का इस्तेमाल करके ना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वी कैन काउंट द स्टूडेंट्स एंड वी कैन देन हैव अ साइकोलॉजिकल थिंग कि इसको सीट कहाँ मिली है और क्या ये अपनी सीट छोड़ेगा हमारे लिए, ठीक है? और हरियाणा में मैं देख सकता हूँ कि बस 7-8-10 बच्चों के अलावा कुछ ऐसा बहुत खास नहीं है, मतलब विद ड्यू रिगार्ड्स, क्योंकि बहुत जल्दी गिर के 670 के नीचे आ गए, दैट मीन्स दिल्ली की इनको नहीं मिल रही अदर देन दी आईपी, जो मैंने कहा कि आईपी में तो मिल जाते हैं सब बच्चों को, तो जिनमें दिल्ली का कोटा है उतनी सीटें खाली होंगी। अब इसके नीचे जितने बच्चे हैं भाई वो छोड़ के कहाँ जाएंगे, उनको आईपी मिला तो ठीक, वरना वो अपना फिर लोकल हरियाणा में पढ़ेंगे, तो आप ये मान सकते हैं कि इतने ही बच्चे हैं जो टोटल जाएंगे। ये तो होता है फर्स्ट थिंग। अब आप देखिए हरियाणा का जो बेनिफिट है, अब हरियाणा में BCA या OBC दो भागों में डिवाइडेड है, BCA और BCB। BCB तो मैं हमेशा कहता हूँ उतना ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है जितना जनरल कैटेगरी है, BDS गलती से लॉक कर दिया था, BDS हटा देते हैं, तो BCB की जो आखिरी सीट है वो तो वही, अब क्या छोड़ दिया, तो प्राइवेट ले लिया क्या मैंने, फिल्टर हटा दिया था ना, तो अब दोबारा से करना पड़ेगा कि BCB लिया जाए और सिर्फ सरकारी लिया जाए, आदेश हटा देते हैं, NC हटा देते हैं, चढ़ाए थे क्योंकि हाँ बाकी SGT अल्फला और साधुपुर में तो ऐसा रिजर्वेशन कैटेगरी वाला होता ही नहीं है। तो अब देखोगे कि BCB भाई ऊपर ऊपर तक ही खत्म है, मतलब चलो हरियाणा में तो मिल गया है, लेकिन इसी BCB को हरियाणा के बाहर तो कुछ मिला ही नहीं होगा, तो ये बच्चा कहाँ जाएगा? इन सब बच्चों ने 20,973, 20,879, ये तो ऑल इंडिया कोटा में खाली है, राइट? 20,789 में तो कुछ है ही नहीं ना, तो इनके पास कोई स्कोप ही नहीं है, तो इन सबने तो हरियाणा में ही पढ़ना है। अल्लाह शल्टर मैंने बोला कि इनका OBC दिल्ली लग जाए और ये IP में आ जाए, तो उस IP के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास कुछ भी पाने का, सॉरी। ठीक है, 20,879, 20,973, तो इन्होंने तो कहीं नहीं जाना, क्योंकि 20,973 आते 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 तो जो कॉलेज मिल रहे थे वो बहुत दूर दराज के मिल रहे थे, तो वहाँ हम क्यों जाएंगे? इन सब बच्चों का पालनहार होता है दिल्ली का IP, पर वो उसमें दिल्ली के बच्चे भी तो है ही ना, ठीक है, और थोड़े बहुत ही हरियाणा के होंगे, हम काफ़ी नीचे तक हम आ चुके हैं 20,000 ऑल इंडिया रैंक में, तो फिर इन बच्चों ने तो हरियाणा में ही पढ़ना है। BCA जो कि हरियाणा का दूसरा OBC कैटेगरी है उसमें काफ़ी नीचे फर्क पड़ता है, क्योंकि दिस इज जेन्युइन OBC, और इसमें हम देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 36,000 तक भी इनको काइंड ऑफ गवर्नमेंट सीट मिल रही है। ओके, तो
तो इस तरह जब आप दोनों एक्सेस सामने रखोगे ना, एंड यू आर स्मार्ट गाय, आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपको सरकारी, आप हरियाणा सरकारी से कितनी दूर हो। तो ऑल इंडिया कोटा तो आपको पता ही है टोटल कितना चल रहा है, ऑल इंडिया कोटा भी गिरता है। और ये मैं सलाह क्यों देता हूँ हमेशा आपको कि जो आपके बैकअप्स हैं, देखिए रियल थिंग क्या है, जिसे सर सरकारी लेना है उसको तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। ऑल इंडिया कोटा भरो, अपना हरियाणा भरो, ज़्यादा सारा IIP भर लो जो हरियाणा के बच्चे हैं। क्योंकि बार बार मुझसे आप क्वेश्चन का, जब एक एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हो मैं जवाब दे नहीं पाता, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना होता असली, जिसको दिमाग लगाना है। और आई वेरी फ्रेंकली उसके लिए भी फिर आपको यू हैव टू टेक दी काउंसलिंग पैकेज। मैं बस कभी कभार क्लाइंट आते ही हैं कि बस कितने मार्क्स आएंगे, सरकारी से ज़रा सी नीचे हैं। तो भाई कब तक सरकारी की वेट करें, या लेट से लो कॉस्ट के, हम कर्नाटका का हमने फॉर्म भरा हुआ है जी, तो हम कर्नाटका में सीट पकड़ लें। अब कर्नाटका में भी चॉइस फिलिंग ऐसे करनी होती है ना कि वो राउंड 1 राउंड 2 का जो हिसाब चलता है। सो जो लोग आप में से ओपन है प्राइवेट में जाने के लिए, उनको तो इतनी रिसर्च करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपको प्राइवेट में जाना ही नहीं है, यू आर प्योर सरकारी कैंडिडेट, तो फिर तो बस चॉइस फिलिंग करते जाइए, भगवान ने चाहा तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो नहीं मिला। आप कौन सा, आपको कुछ और करना है। तो मुझसे भी जो क्वेश्चन पूछते हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या वैसे भी, एक दो तो ना बकायदा लोगों ने पेमेंट करके मुझसे सवाल पूछा, तो मेरे को दुख भी हुआ। मैंने तो 2 के तो 2,500 रुपये वापस भी कर दिए। मैं कहा सर इस क्वेश्चन को क्या फ़ायदा, चलो मैं बहुत आपके लिए रिसर्च करके बता भी दूँ, सच्चाई की बात यह है कि आपको चाहिए ही नहीं सवाल का जवाब, क्योंकि तो आपको दोनों चॉइस फिलिंग करनी है और देखो क्या मिलता है। हाँ इससे आपको, हाँ ये देखना चाहते हो कि मैं ऑल इंडिया कोटा में कुछ भी पकड़ लूँ या मैं हरियाणा की वेट करूँ। मैंने हमेशा बोला कि ऑल इंडिया कोटा तो आपको, आप राउंड 3 तक तो वेट करना ही करना है, और राउंड 3 तक अपग्रेडेशन अलाउड हो चुकी है। तो आप, और सरकारी में फीस भी ज़्यादा नहीं होती है, तो आप ऑल इंडिया कोटा में जो मिला है राउंड 2 में खासकर ले लीजिएगा, अपग्रेड के लिए डाल दीजिएगा राउंड 3 में, और हरियाणा राउंड 2 में आपको पता चली जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है। तो उसके हिसाब से आपने वहाँ से ऑल इंडिया कोटा 2 ले रखा है, यहाँ से आपने हरियाणा स्टेट 2 लिया, अपने ऑर्डर में चॉइस फिलिंग कीजिए, जो आपको बेस्ट सीट दिख रही होगी उसके हिसाब से आप फाइनल डिसीजन ले लीजिएगा। इतना दिमाग तब लगाए हम, इतनी रिसर्च तब करें हम, जब हमारा एक प्लान बी हो कि अगर मुझे सरकारी नहीं मिल पा रहा तो क्या मैं प्राइवेट लूँ, प्राइवेट में कौन सा लूँ, लो कॉस्ट मुझे लेना है कर्नाटका, छत्तीसगढ़ का, केरला का, मुझे गुड लेना है कि सर कोई चांस नहीं है तो मैं लो बजट में नॉर्थ का बेस्ट SNM बरेली ले लूँ, या सर मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं, फंड्स की कमी नहीं है, आई कैन गो टू जॉली ग्रांट और आई कैन गो टू MMU मुलाना, और आई कुड हैव गॉन टू अमृता फरीदाबाद। जब ये सब आपकी कंसर्न्स हैं तब आई थिंक आपको ज़्यादा मेरी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, या प्रीमियम काउंसलिंग पैकेज की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज तो आप दोनों एक्सेल को देख के बस आइडिया, वो भी अपने लिए आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितनी सीट मिलने की उम्मीद है, वरना तो ये है कि चॉइस फिलिंग किए जाओ, जो मिल जाएगा वो ले लेना, ठीक है ना। आखिरी चीज़ जो सभी को मालूम है और वो यही है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सोच समझ के आप BDS का चलन कीजिए। ये मेरे वीडियोस बहुत पुराने हैं और अब तो देखिए दुनिया को भी पता चल ही चुका है, जो पहले मैं एक दो वीडियो में कहता था। आई थिंक अब हालत ये हो चुकी है कि जो शानदार कॉलेज भी हैं उनकी अलॉटमेंट भी पूरी नहीं हो रही है। यमुनानगर में अब टोटल देखिए तो पहले राउंड में टोटल सीटें ही 43 एलोकेट हुई हैं, राइट। दैट मीन्स कि जिसने भी अप्लाई करा होगा उसको मिल गया है। और आप बाकी कॉलेजों में देखोगे तो मेरी पूरी गट फील कहती है कि ये जो टोटल अलॉटमेंट है ये ही सीट से भी कम होगी। अगर DAV की इतनी कम है, या देखो सिरसा में हो सकता है, क्योंकि सिरसा की ना लोकेशन थोड़ी सी ऐसी है ईस्टर्न, उसमें इसमें फिर भी 78 हो गया है, आई थिंक इसमें टोटल 100 होगी। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे पता है यमुना डेंटल होगा, उसकी देखिए अब टोटल जो लोगों ने फॉर्म भी भरा है राउंड 1 में, वो तो अभी तक 21 लोगों ने भरा है। तो खुली सीट अवेलेबल है यमुना में, आई थिंक सुधा रस्तोगी ने थोड़ा तो बेटर किया होगा यमुना से, लेकिन अभी भी सीटें बच हैं। और देखिए सिर्फ अलॉटमेंट है, आई एम नॉट श्योर कि इसमें कितने लोग जाके सीट को लेंगे, सब वही लो मार्क्स वाले हैं जो MBBS से बहुत दूर हैं। और PDM का भी मेरे को लग रहा है मामला थोड़ा टाइट ही होगा इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट। और ये भी देखिए 45 हुए अभी तक अलॉट, तो यमुना डेंटल तो काफ़ी स्ट्रगल कर ही रहा है, ये स्वामी देवी दयाल पंचकुला वाला, इसमें भी अभी तक राउंड 1 में पूरी अलॉटमेंट भी नहीं होगी। दैट मीन्स कि देर आर सीट्स अवेलेबल, कि जो भी फॉर्म भी भर देता तो
तो उसको सीट मिल जाती। ओके, तो BDS हम जानते ही हैं क्या पोजीशन है, तो इस तरह से देखिए कर लीजिए अपने आप, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बॉन्ड बहुत मेलो डाउन हो चुका है, क्योंकि जब आप PG करते हो तो 3 साल काउंट हो रहे हैं। तो किसी ने एक दो मेरे कमेंट किया लास्ट वीडियो पे कि सर सबसे PG थोड़ी ना होगा, मैं यही कहता हूँ कि 640 650 नंबर ला के ऑल इंडिया रैंक 10,000 में ला के भी अगर आपसे PG क्रैक नहीं होगा 2 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में, तो फिर क्या करोगे। और वहाँ पर उन्होंने ये भी तो लिखा हुआ है ना कि अगर PG क्रैक नहीं होगा तो वो आपको जॉब देंगे, ठीक है। तो वो जॉब नहीं देंगे तो आप वैसे ही बाहर जा सकते हो। सो अब बॉन्ड बहुत डाइल्यूट हो चुका है। मैं समझ सकता हूँ शायद कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि कुछ लोग डर के जानबूझकर इंडिया कोटा ले लें दूर, ताकि उनके बच्चों का चांस आ जाए हरियाणा में। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। और दूसरा, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हरियाणा, दिल्ली, बिहार, राजस्थान ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर स्टेट की कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया कट ऑफ से ऊपर होती है। दैट मीन जिसको हरियाणा में सीट मिली है उसको ऑल इंडिया कोटा में तो मिल ही रही होगी, अदर देन अ वेरी पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड BCA। सिर्फ उस BCA बच्चों को छोड़ के, क्योंकि जो OBC कैटेगरी का सब क्लासिफिकेशन है, आई थिंक हरियाणा की जिस भी SC को सीट मिली होगी हरियाणा में उसको ऑल इंडिया कोटा में मिली होगी, जिसको मिली होगी ST को उसको ऑल इंडिया कोटा मिली होगी, और जिसको मिली है अनरिजर्व या BC भी उसको पक्का ऑल इंडिया कोटा में कोई ना कोई सीट मिली होगी। और कुछ दूसरे लोग चाहते हैं कि भाई तुम ऑल इंडिया कोटा में चले जाओ ताकि जो आप जरा सी नीचे हैं उनको हरियाणा की सीट मिल जाए। तो ये सब देखते हुए डिसीजन लीजिएगा, और बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, आपको बेस्ट सीट मिले। और मैंने वही कहा कि जितना इस तरह का मैं आपको गाइडलाइंस दे पाऊंगा एनालिसिस की, वो आप कर सकते हो ना। एक एक बच्चे का सवाल का जवाब देना यूट्यूब कमेंट्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग पूछते हैं सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा, कब मिल जाएगा। तो ये सब देखो, लोगों की ना मेंटेलिटी समझो। जनरली आप देखोगे ना कि क्या ऑर्डर है, जिस जिसको MBBS, जिस जिसने फाइनली MBBS लिया है, यू कैन सी अ पैटर्न। सब के सब ESI जो ऊपर भर रहे हैं वो बोर्ड के चक्कर में भर रहे हैं, अदरवाइज आंख बंद करके पंडित भगवत दयाल शर्मा है, उसके बाद कल्पना चावला आता है, बीच बीच में चलो एक आध फरीदाबाद वाले आ गए हैं कि जो उस तरफ रहते होंगे। वरना जो हरियाणा में गिन के 6-7 कॉलेज हैं, सबका जो पैटर्न है वो बड़ा क्लियर है, सबकी चॉइस बड़ी क्लियर है। तो अगर आप उस समय मेवाती मिला हुआ और आप रोहतक मांग रहे हो तो कहाँ से मिल जाएगा, उम्मीद बहुत ही कम है, राइट। क्योंकि आपके बीच में तो और बहुत सारे हैं ना, कल्पना चावला वाले, अटल बिहारी वाले, जो सब रोहतक पहुंचना चाहते हैं अगर वो हरियाणा के अंदर ही पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, इन सब चीज़ों के हिसाब से आप अपना एनालिसिस कीजिए, अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाइए। हमसे कोई इसके शॉर्ट टर्म कॉल करना चाहे, आप जानते ही हैं 2500 इज द फर्स्ट प्राइस, 5,000 रुपये फॉर फेस टू फेस मीटिंग, एंड देन वी डिसाइड द टोटल काउंसलिंग पैकेज, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट या ओनली प्राइवेट। 9643362320 पे कॉल कीजिए, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।